Hi guys, welcome back to my channel. Today we're going to talk about the best niacinamide serums available in Pakistan. मैंने एक similar video बनाई थी vitamin C के बारे में और उसके बाद से जितनी मुझे request इस video की आई है कि niacinamide की भी उस तरह की एक video बना दें. जो सबसे ज़्यादा request आती है वो इस बात की है कि please medicated niacinamide serums का बता दें. I'm guessing what you mean by medicated is the ones जो के pharmacy पे शायद available हों या फिर कोई pharmaceutical company वो niacinamide serum बनाती है. The thing about niacinamide is के it's not really a treatment that is prescribed by dermatologists. It's a supplementary ingredient जो कि आपकी skin की overall health, different skin issues को थोड़ा बहुत tackle करता है, लेकिन it's not considered a treatment the way retinol या फिर azelaic acid वो proper treatments हैं जो कि dermatologists वगैरह prescribe करते हैं. Niacinamide serum dermatologists recommend करते हैं कि हाँ आप अपनी skin care में डाल दें, लेकिन as such medicated niacinamide serums market में या तो नहीं है या फिर बहुत कम है. Niacinamide serum ज़्यादातर cosmetic companies बनाती हैं. Because niacinamide serum इतना popular हो गया in recent times, तो बहुत सारी cosmetic जो companies हैं उन्होंने अपना niacinamide serum निकाला है. And because ये इतना popular हुआ है, तो they know कि this is something that you know it's really trending. तो बहुत inexpensive वाले market में बहुत कम है. जितना कि एक विटामिन सीरम एक्सपेंसिव है मार्केट में, उतना ही उन्होंने नाइसिनमाइड सीरम रखा हुआ है. ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, लेकिन बिकॉज मार्केट में इसकी बज इतनी ज्यादा है एंड बिकॉज इट्स सच अ गुड इंग्रेडिएंट जो कि यू नो तकरीबन हर कोई यूज कर सकता है, जिसकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, इवन सेंसिटिव स्किन वाले बहुत सारे लोग इसको टॉलरेट कर सकते हैं और ये बहुत ईजिली लोग अपनी स्किन केयर में डाल सकते हैं. सो कॉस्मेटिक जो कंपनीज हैं, दे नो कि दिस इज सच अ गुड इंग्रेडिएंट, तो उसको बहुत सस्ते में बहुत कम कोई ब्रांड है जो बनाती है, जो कि बनाए और अच्छा बनाए. लेकिन स्टिल मेरी पूरी कोशिश है कि जो अफोर्डेबल और अच्छे वाले हों वो भी मैं इस लिस्ट में जरूर डालूं. आई डू ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन नाइसिनमाइड, आई एम गोइंग टू लिंक दैट वीडियो. वो कोई 2 साल पुरानी है. उस वक्त मुझे पाकिस्तानी मार्केट का इतना ज्यादा नहीं पता था कि कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन उसमें कोई बहुत अच्छी नहीं है. बट इफ यू वांट टू नो व्हाई यू शुड यूज नाइसिनमाइड इन योर स्किन केयर रूटीन, डू वॉच दैट वीडियो. उसमें मैंने इन डेप्थ बताया हुआ है कि उसके फायदे क्या हैं and everything that you probably want to know about niacinamide, it's in that video. As you guys probably already know, I do have doctors and dermatologists in my family. तो ये जो सारी मैंने लिस्ट बनाई थी बेसिकली उनसे कंसल्ट करके बनाई थी, इन द सेंस के मैंने उनसे सबसे पहले तो पूछा था कि अगर आप अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगी, तो शी टोल्ड मी कि वी डोंट रियली प्रिस्क्राइब इट, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि यू नो ये वाली एक अच्छी है, आप इसको ट्राई कर लें. कितनी फ्यू ब्रांड्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, और फिर कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि हमारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स हमें बताते हैं कि यू नो वी यूज दिस एंड हमारे अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं. उसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन लुक थ्रू द इंग्रेडिएंट लिस्ट, और उससे भी पता चल जाता है कि कौन सा एक अच्छा नाइसिनमाइड सीरम है. इसमें इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है, फालतू के इंग्रेडिएंट्स नहीं है. सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस आई मेड दिस लिस्ट. आई होप दिस लिस्ट इज हेल्पफुल टू यू, एंड विदाउट मेकिंग द इंट्रो सुपर लॉन्ग, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज फ्रॉम द ब्रांड द प्योरेस्ट, एंड ये वाला जो है ये काफी एक्सपेंसिव है. इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये वाला है. आई एम स्टार्टिंग विद दिस वन बिकॉज दिस इज द वन माई डर्मेटोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि दिस इज द वन जो कि हम सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड नाइसिनमाइड सीरम जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो, गेट द प्योरेस्ट. ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन जो बड़ी फार्मेसीज हैं जैसे डी वॉटसन या शाहीन जो कि बड़ी हों, उनके छोटी शॉप्स भी होती हैं, लेकिन जो बड़ी वाली जो उनकी शॉप हो या उनका स्टोर हो उसमें ये अवेलेबल होती हैं. ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, सो यू डू गेट दिस इजीली इन पाकिस्तान. लेकिन ये इस पूरी लिस्ट का सबसे एक्सपेंसिव नाइसिनमाइड सीरम है, एक तो बिकॉज इट्स इम्पोर्टेड एंड ऑल्सो इट हैज रियली गुड इन्ग्रीडियंट्स. सो स्टार्टिंग विद द प्राइस इट्स अराउंड 4,000 to 5,000, सो आई नो इट्स रियली एक्सपेंसिव, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ यू लुकिंग फॉर अ रियली गुड नाइसिनमाइड सीरम, दिस इज वन टू चेक. This is more for people जिनकी oily skin हो. इसके ऊपर जो इसकी description होती है, ज्यादातर niacinamide serums पे लिखा होता है कि it's for all skin type, but ये वाला जरा ज्यादा targeted है for people who have acne or जिनकी oily skin हो. इसकी ingredients की बात करें तो इसमें niacinamide जो है 5% है और 2% zinc है.
Zinc in itself is an antimicrobial and anti-inflammatory ingredient जो कि बहुत अच्छी तरह pair होता है niacinamide serum के साथ, उसके साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है and also जो niacinamide की properties होती हैं उसको enhance करता है. Zinc एक antioxidant भी है, so overall it works very very good with niacinamide. Purell by the way, अगर आप UAE में, Dubai में, India में हैं, because it's an international brand, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी. और इसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इसमें ग्लिसरिन है. ग्लिसरिन वैसे तो एक बहुत ही सस्ता सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन इट टू इज लाइक हाइलुरोनिक एसिड की तरह वो एक ह्यूमेक्टेंट है. मैंने इसके बारे में थोड़ी सी पहले भी बात की हुई है. उसके अलावा इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है वो जो कि डिफरेंट मोलेक्युलर साइजेस वाला है. उसके अलावा इसके अंदर लो परसेंटेज में लैक्टिक एसिड भी है विच इज एन एक्सफोलिएटर. उसके अलावा इसके अंदर दो तीन किस्म के एक्सट्रैक्ट है. एक सैलिक बार्क एक्सट्रैक्ट भी है विच वर्क अ लिटल लाइक सैलिसिलिक एसिड जो पोर्स को क्लीन करता है. उसके अलावा इसके अंदर मशरूम ट्री एक्सट्रैक्ट भी है जो कि एंटी बैक्टेरियल और एंटी माइक्रोबियल है और एंटी ऑक्सीडेंट भी है. और ये ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो कि दे वर्क रियली वेल फॉर पीपल विद ऑयली स्किन एंड इट्स टारगेटिंग पीपल हु हैव एक्ने. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड यू लुकिंग फॉर अ रियली गुड नाइसिनमाइड सीरम एंड यू कैन अफोर्ड समथिंग दैट इज क्लोज टू 4,000-5,000, दिस इज वन यू कैन चेक आउट. ये ज्यादा एक्सपेंसिव है. सो इसके अलावा जो बाकी सारे इस लिस्ट में है वो इससे तो डेफिनेटली ज्यादा अफोर्डेबल है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि काफी अफोर्डेबल है इन कंपेरिजन. दिस वन इज फ्रॉम जेन फार्म नाइरोनिक सीरम. इट इज फॉर 1500 रुपीज. इसके अंदर जो नाइसिनमाइड है वो 10% है और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है 1%. सो यू गेट हाइलुरोनिक एसिड एंड अ नाइसिनमाइड सीरम इन वन. इसके अलावा इसकी बहुत ही एक्सटेंसिव इनकी लिस्ट है. इनकी लिस्ट इज इंग्रेडिएंट लिस्ट. इसकी काफी एक्सटेंसिव इंग्रेडिएंट लिस्ट है जिसके अंदर काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं. लेकिन द थिंग इज कि जब इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी होती है ना, तो चाहे वो सारे बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हों, चांसेस ऑफ रिएक्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं. बिकॉज इतने सारे जब इंग्रेडिएंट्स हो तो हो सकता है इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से आपकी स्किन रिएक्ट कर जाए या आपकी स्किन को सूट ना करे. तो जो बहुत सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना, वो जरा क्वेश्चन के साथ वो प्रोडक्ट यूज करें. बिकॉज लाइक आई सेड के जब ज्यादा बड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, चांसेस ऑफ रिएक्शन टू वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द वेरी लार्ज इंग्रेडिएंट लिस्ट ज्यादा होती है. तो कीप दैट इन माइंड. अदर देन नाइसिनमाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड, इसके अंदर स्क्वालेन है ऑयल जो कि एक बहुत ही नरिशिंग एंड वेरी गुड फेशियल ऑयल है जो कि ऑलरेडी आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है एंड इट्स रियली मॉइस्चराइजिंग एंड रियली गुड फॉर योर स्किन. तो इसके अंदर वो है. इवन अगर आपकी ऑयली स्किन है, स्क्वालेन इज समथिंग दैट ऑयली स्किन वाले भी बहुत इजिली यूज कर सकते हैं. ड्राई स्किन वालों के लिए भी वो बहुत अच्छा है. इसके अंदर बहुत सारे स्किन कामिंग और सूदिंग इन्ग्रीडियंट्स भी हैं जैसे सेंटेला, एजियाटिका, एलिंटॉन. इसके अलावा प्रोपेंडियोल भी है जो कि स्किन सॉफ्टनिंग, मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चर लॉकिंग इन्ग्रीडियंट है. सो इसके अंदर काफी स्किन हाइड्रेटिंग एंड सॉफ्टनिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं. उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं. द थिंग अबाउट नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स इज के उनसे रिएक्शन कॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, बड़े कॉशन के साथ इसको यूज करें. आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करें. ये जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, दीज आर बेसिकली फॉर ब्राइटनिंग इफेक्ट. ये ब्राइटनिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं. सो दिस इज अ रियली गुड हाइड्रेटिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग सीरम जो कि नाइसिनमाइड के साथ है. तो एज अ होल दिस इज अ गुड सीरम, लेकिन जस्ट यूज इट विद कॉशन. ये वाला सीरम आप दिन में भी यूज कर सकते हैं, रात को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी और हार्श इंग्रेडिएंट के साथ यूज नहीं करना जैसे कि वाइटामिन सी एंड रेटिनॉल. उसके साथ आप यूज ना करें और किसी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट के साथ भी यूज ना करें. ओके, नेक्स्ट इज वन दैट आई एम करंटली यूजिंग और मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ. इट्स दिस हिरा अली B3 हाइड्राग्लो सीरम. इसके अंदर भी नाइसिनमाइड भी है और हाइलुरोनिक एसिड भी है. द थिंग आई रियली लाइक अबाउट दीज सीरम्स जिनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, इट्स बिकॉज आप एक सीरम के अंदर आपको दो चीजें मिल जाती हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल यू नो वांट टू यूज हाइलुरोनिक एसिड बिकॉज ऑफ कोर्स उसके भी बहुत फायदे होते हैं. आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मैं अपनी स्किन के बारे में थोड़ी सीरियस हुई थी, तो पहले मैंने एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम लिया, फिर नाइसिनमाइड, और मैं सेपरेटली यूज करती थी और मुझे वो इतना लंबा काम लगता था. Now it's so much more common to have one serum जिसके अंदर hyaluronic acid भी हो, niacinamide भी हो. Hyaluronic acid humectant है, it's really good to bring hydration to your skin. अगर आपकी skin oily है या dry है, सबको hydration की जरूरत है. So this works really great for people who have oily skin.
or who have dry skin. So is serum ke andar 10% niacinamide hai or 2% hyaluronic acid hai, which is a great percentage and it works really well together. Iski bahut small ingredient list hai. जिस तरह हम जेन फार्म की बात कर रहे थे कि उसमें वैसे तो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा हैं, सो चांसेस ऑफ स्किन रिएक्शन इज रिलेटिवली हायर. लेकिन जो हिरा अली की इंग्रेडिएंट लिस्ट है इट्स रियली स्मॉल. इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस आती है तो मैंने ब्रांड को अप्रोच किया और मैंने पूछा कि आपने क्यों डाली है. सो दे टोल्ड मी हमने नेचुरल पीच एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है तो उसकी वजह जो स्मेल है वो बेसिकली उसके एसेंस की है. सो इट्स अ नेचुरल फ्रेग्रेंस लेकिन स्टिल अगर आप सेंसिटिव हैं फ्रेग्रेंस से तो इसके अंदर एक स्लाइट फ्रेग्रेंस है. मैं जनरली फ्रेग्रेंस प्रेफर नहीं करती लेकिन इस वाले में आई डोंट माइंड टू मच बिकॉज एक तो ये नेचुरल फ्रेग्रेंस है बट इवन नेचुरल फ्रेग्रेंस जो है जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं जिनकी स्किन होती है उनको अफेक्ट कर सकती है या उनको इरिटेट कर सकती है. माई स्किन इज रिलेटिवली नॉट दैट सेंसिटिव सो मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता. इफ यू वॉन्ट समथिंग विच हैज टू बेसिक इन्ग्रीडियंट्स जो कि आपको अपनी स्किन केयर में स्पेशली मॉर्निंग स्किन केयर में बहुत लोग ये डालते हैं. द थिंग अबाउट नाइसिनमाइड इज कि आप रेटिनॉल के साथ भी यूज कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड आप रेटिनॉल के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप एजोलिक एसिड के साथ भी यूज कर सकते हैं. बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स के साथ ये दोनों बहुत इजीली आप अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट सप्लीमेंट्री सीरम एज वेल लेकिन ये ऑन इट्स ओन भी बहुत अच्छा है. इसकी प्राइस 2250 है लेकिन यूजली इसके ऊपर सेल 20% ऑफ होती है वरना किसी का आप कोड यूज कर सकते हैं फॉर 10% ऑफ. आई थिंक आई डू हैव अ कोड एज वेल. मैंने इनसे एक दफा खुद मांगा था विटामिन सी की जब मैंने वीडियो बनानी थी तो आई मैसेज देम कि इफ यू कुड गिव मी अ कोड. इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, इट्स नॉट एन एफिलिएट कोड बट आई थिंक इट्स आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हाट इट इज. आई थिंक इट्स माई नेम मिनाल कादिर 10 लेकिन अगर ये नहीं है तो गोइंग टू राइट दैट. इफ यू वांट टू यूज माय कोड और यूज एनी कोड इफ यू लाइक इट रियली डजंट मैटर बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग कि आप मेरा कोड यूज करें. दिस इज द बेस्ट वन, दिस इज अ गुड वन, आई यूज इट, आई लाइक इट बट आई डोंट थिंक दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट वन. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं इसको यूज करती थी मेरी स्किन हाइड्रेटेड फील करती थी, लाइक ओवर ड्राई नहीं होती थी. मेरी जितनी ड्राई स्किन है मेरी स्किन बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाती है तो यूजिंग दिस माई स्किन डिड फील प्लम्प. ओवरऑल स्किन मेरी क्लियर रहती थी एंड लाइक जब मेरा ऑर्डिनरी वाला खत्म हो गया था उसके बाद मैंने ये यूज करना शुरू किया था एंड आई डिड लाइक इट. इट वॉज इन रेवोल्यूशनरी, ऐसा नहीं था कि इसको यूज करने के बाद आई वॉज लाइक ओ ऑर्डिनरी वाला भी अच्छा था ये वाला भी अच्छा है. दे बोथ वर्क वेल. ओके सो द नेक्स्ट वन इज ओजी ऑर्गेनिक्स का नाइसिनमाइड सीरम. इट्स वेरी सिमिलर टू द हिरा अली वन लेकिन जो हिरा अली में हाइलुरोनिक एसिड डाला हुआ है उन्होंने विच इज अ स्किन हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट. इसके अंदर प्रोपेंडियोल और एलेंटोन है विच अगेन आर स्किन हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट्स और स्किन सूदिंग इन्ग्रीडियंट्स. सो उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें प्रोपेंडियोल और एलेंटोन है बट अदर देन दैट काफी सिमिलर इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है. ये थोड़ा उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है. दिस इज फॉर 2600 एंड आई एम नॉट श्योर कि मैंने किसी का कोड इसके साथ देखा है. शायद किसी का कोड हो बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि अगर किसी का कोड है और आपको कोई डिस्काउंट मिल सकता है. बट बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट दिस टू इज अ रियली गुड बेसिक नाइसिनमाइड सीरम. इसके अंदर कोई एसेंस या फ्रेग्रेंस नहीं है सो ये एक अच्छी बात है. तो अगर आपने हिरा अली का नहीं लेना बिकॉज यू नो यू डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस देन यू कैन मे बी लुक इन टू दिस. स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर आपकी जरा जल्दी इरिटेट हो जाती है, थोड़ी रफ स्किन है, सो आई फील दिस इज अ गुड सीरम. इसके अंदर भी नाइसिनमाइड की जो परसेंटेज है वो 10% है. इट्स अ लिटिल प्राइसी, इट्स फॉर 2600 सो इट्स अ गुड वन. डेफिनेटली वॉन्ट टू चेक आउट. सो अगर आप ओजी ऑर्गेनिक से प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करना चाहते हैं, इनका नाइसिनमाइड ट्राई करना इज अ गुड आइडिया लेकिन it's a bit expensive. Okay, next we're going to talk about Organic Traveler ka Niacinamide Serum. Organic Traveler ke baare mein mujhe itne sare questions aate hain. So many people leave their comments about Organic Traveler. Maine uske do products mangwaye hain, wo mere paas aayenge lekin maine uske koi serums nahi mangwaye. What I've ordered is their sunscreen and their moisturizer. But iske niacinamide ke baare mein mujhe itne questions aate hain. So I did look into the ingredient list of this serum or the dermatologist that I talked to, unse maine discuss kiya. So she's like, it's a very basic niacinamide serum. It should work. Iske andar niacinamide 10% hai, zinc 1% hai. Zinc works really well with niacinamide like I told you. And iske andar hyaluronic acid hai, glycerin hai, wo dono humectants hai. Matlab aapki skin ke andar hydration leke aate hai. Uske alawa bas stabilizers hai aur skin softening ingredients hai.
इसकी प्राइस 2100 है, लोगों के कोड्स होते हैं जिससे आपको इसकी प्राइस अराउंड 1700-1800 बन जाती है, इनकी सेल्स भी होती हैं। आई डोंट हैव अ कोड, आई डिड मैसेज देम टू आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, लेकिन उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया, तो वरना मैं कोड भी मांग लेती एंड आई कुड हैव शेयर्ड माय कोड, लेकिन आई डोंट हैव अ कोड, सो यू कैन सर्च, किसी का कोड तो होगा। आई थिंक 2 महीने पहले मैंने जब ये वीडियो बनाने का सोचा था, मैं पाकिस्तान गई थी, तो आई वॉज वर्किंग ऑन दिस वीडियो, आई मैसेज देम 2 months अगो, दे हैवन रिप्लाइड, सो अगर आप इनको शायद DM वगैरह करते हैं, दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, कि इनकी कस्टमर सर्विस इसका मतलब अच्छी नहीं है। एक और चीज़ थी कि मैंने इसके विटामिन सी के बारे में अपने कमेंट्स के थ्रू यू गाइस बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनकी स्किन पे रिएक्शन इन द सेंस मे बी पर्जिंग होती है या दाने निकल आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, लेकिन इसके विटामिन सी सीरम के साथ बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं। इसकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, विच मेक्स मी फील कि ये वाला जो सीरम है बहुत लोगों की स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यू गाइज हैव टू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बेस्ड ऑन इन्ग्रीडियंट लिस्ट दिस इज अ गुड सीरम, बट ऑर्गेनिक ट्रेवलर के इतने मिक्सड रिव्यूज हैं ऑनलाइन एंड इन माई कॉमेंट्स के आई एम अ लिटिल स्केयर्ड टू कम्प्लीटली रिकमेंड दिस। एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक द फैक्ट कि ये लोग अपने DMs में रिप्लाई नहीं करते, तो अगर आपको कोई इशू हो भी जाए तो देर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव। बट अगर आपने इसको यूज किया हुआ डू लेट मी नो, बिकॉज इंग्रेडिएंट लिस्ट तो अच्छी है, प्राइस इसकी रिलेटिवली हेरा ली और ओजी ऑर्गेनिक से सस्ती है, तो मे बी इफ यू गोइंग टू स्टार्ट विद नाइसिनमाइड सीरम यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड सी, अगर आपकी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करता, दिस इज वन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन अफोर्डेबल वन। जो भी अब तक मैंने मेंशन किए हैं, देयर 1500 प्लस क्लोज टू 2000, दिस वन इज 999, 1000 रुपीज का। This is the Co-Natural Super Actives ka Niacinamide Serum. दो तीन जगह पे ये 800 रुपीज का भी है, सो दिस इज एक्चुअली अंडर 1000 रुपीज एंड इट्स डेफिनेटली द चीपेस्ट इन द लिस्ट। इसके अंदर Niacinamide 10% है और जिंक 2% है। अदर देन दीज टू इनग्रीडियंट्स इट हैज अ बंच ऑफ स्टेबिलाईजर्स एंड नॉट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स। तो इसकी एक जो अच्छी बात है कि इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। ऑल्सो इट्स अ बेसिक Niacinamide सीरम कि अगर आपने सिर्फ Niacinamide अपनी स्किन केयर में डालना है एज अ सप्लीमेंट्री सीरम या फिर ऑन इट्स ओन आपने देखना है कि Niacinamide आपकी स्किन के साथ किस तरह वर्क करता है, दिस इज अ गुड बेसिक वन। दिस टू आई डिस्कस्ड विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड शी सेड बेस्ड ऑन द इंग्रीडियंट लिस्ट बहुत बेसिक सा है, लेकिन इफ समवन इज लुकिंग फॉर जस्ट Niacinamide सीरम टू टेस्ट विद देयर स्किन के किस तरह आपकी स्किन के साथ काम कर रहा है, इट्स अफोर्डेबल, सो इट्स अ ग्रेट वन टू ट्राई इफ यू आर अ बिगिनर। आप पहली बार Niacinamide सीरम यूज कर रहे हैं तो एक अफोर्डेबल वाले के साथ फायदा ये होता है कि यू नो कि हाउ Niacinamide विल वर्क विद योर स्किन विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन जो कि इफ यू आर समवन who's looking for something more than a basic Niacinamide serum, कि आपको एक खाली बस एक Niacinamide hyaluronic acid serum नहीं चाहिए, you want something more, कि एक ही serum आप दिन में लगाएं और आपका सारा कुछ हो जाए, this is one from Acufix, this is the powerhouse vitamin C Niacinamide and alpha arbutin. बहुत सारे vitamin C के साथ Niacinamide काम नहीं करता, तो जो बेस्ट तरीका होता है टू यूज अ विटामिन सी एंड Niacinamide टुगेदर इस फॉर्मुलेशन ही इस तरह की हो जिसमें वो आपस में क्लैश ना करें, सो दिस इज दैट वन सीरम दैट आई करंटली एम यूजिंग और ये मेरा डे टाइम सीरम है और मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। इसका नाम पावर हाउस है, इट्स बिकॉज इसके अंदर 3 पावर हाउस इन्ग्रीडियंट्स हैं। विटामिन सी यू गाइज नो एंटी ऑक्सीडेंट रियली गुड एट ब्राइटनिंग योर स्किन, इट्स अ ग्रेट थिंग टू वेयर इन द डे टाइम। उसके अलावा इसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन भी है जो कि अगेन एक स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइटनिंग सीरम, व्हेन आई से ब्राइटनिंग सीरम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस इसको लगाने के बाद हम सफेद हो जाएंगे, हम गोरे हो जाएंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। व्हाट इट डज इज कि स्किन पे जो डलनेस होती है या स्किन पे ओवरऑल जो टैनिंग हो जाती है ना वो रिमूव होती है, या थोड़ी बहुत जो डिस्कलरेशन हो जाती है आपकी स्किन में, अनइवन स्किन टोन होती है, बेसिकली दैट इज व्हाट दिस टारगेट्स एंड दैट इज व्हाट दिस इज गुड फॉर। सो अगर आप सोच रहे हैं कि ये लगाने के बाद आप गोरे हो जाएंगे, देन मे बी डोंट गेट दिस। जब मैं पाकिस्तान में थी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू माई मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल और ऑनेस्टली मैंने स्किन केयर
काफी हद तक छोड़ दी थी और काफी ज्यादा सर्दी भी थी तो मेरी स्किन काफी डल हो गई थी और आई वॉजंट पेइंग अटेंशन. मैं मुश्किल से मैं दिन में मूड होती थी. तो आफ्टर अबाउट मंथ ऑफ बीइंग इन पाकिस्तान आई रियलाइज कि मुझे कोई चीज यूज करना शुरू करनी चाहिए बिकॉज मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी एंड माई स्किन वॉज फीलिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डल. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड फर्स्ट टू वीक्स ऑनेस्टली मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ. आई जस्ट फेल कि अच्छा चलो एटलीस्ट मैं मुंह पे कुछ तो लगा रही हूँ. बट आफ्टर यूजिंग इट फॉर अबाउट अ मंथ और इवन मोर देन अ मंथ आई थिंक 5 weeks आ डलनेस इन इवन स्किन टोन हो गई थी मेरी और हाइड्रेशन लेवल्स भी काफी स्किन के इम्प्रूव हो गए थे. पाकिस्तान में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं 4 किस्म के डिफरेंट सीरम्स यूज करूँ. सो एक और रीजन ये यूज करने की थी कि बस एक ही सीरम दिन में मैं यूज करती थी एंड दैट वाज इट. मैं ये सुबह भी लगा लेती थी रात को भी लगा लेती थी फिर रात को आई स्टॉप यूजिंग इट एंड आई स्टार्टेड यूजिंग समथिंग एल्स. बट ओवरऑल आई रियली डू एंजॉय दिस. दिस हैज रियली वर्क्ड फॉर मी. सो इफ यू लुकिंग फॉर एन ऑल इन वन सीरम जो कि एक ही सीरम हो ये थोड़ा सा प्राइसी है. दिस इज क्लोज टू 3,000 rupees. इसके अंदर 2-3 और एक्सट्रैक्ट्स भी हैं लाइक मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड लो परसेंटेज में इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी है. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सीरम टू यूज. ये आप दिन में भी यूज कर सकते हैं. लाइक आई नो कि मैंने बताया कि इसके अंदर लो परसेंटेज में लैक्टिक एसिड है तो पीपल माइट थिंक कि यू कांट यूज इट इन द डे टाइम. यू कैन. इट्स अ वेरी लो परसेंटेज एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज sunscreen with this. So if you use sunscreen with this it's completely fine. So you can use it in the daytime and personally ye mera daytime serum hi hai. I love using it in the daytime. If you're wondering iske andar jo vitamin c use kiya hua hai wo sodium ascorbyl phosphate hai. So it's a stable form of vitamin c, pure form of vitamin c nahi hai. So itna zyada ye irritating bhi nahi hai. So if you're someone jiski sensitive skin hai wo bhi isko use kar sakte hain. And also if you have fungal acne ye jo brand hai Acufix, this focuses on people who have fungal acne and it makes products jo ki fungal acne safe on. So guys, these were the niacinamide serums that I recommend and they're worth checking out. Inme se कुछ मैंने यूज किए हुए कुछ मैंने यूज नहीं किए हुए. जो कि मैंने नहीं यूज किए हुए मैंने उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट एक तो खुद उस पर रिसर्च की एंड ऑल्सो आई कंसल्टेड विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट के ये वाला नाइसिनमाइड सीरम कैसा है बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड शी गेव मी हर ओपिनियन. आई एम श्योर मार्केट में और भी अच्छे नाइसिनमाइड सीरम होंगे जिनका मुझे नहीं पता. मैंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा रिसर्च किया. आई हैव बीन लुकिंग फॉर गुड नाइसिनमाइड सीरम्स इन द फार्मेसी एज वेल एज ऑनलाइन एंड स्टोर्स में भी जाके. सो अगर कोई ऐसा नाइसिनमाइड सीरम जो कि मुझे नहीं पता जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है डू लीव दैट इन द कमेंट्स एंड आई विल चेक दैट आउट. बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई हैव टू से वन थिंग. गाइस मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस. द थिंग इज नाइसिनमाइड एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है लेकिन ये ओवरनाइट आपकी स्किन के लिए मिरेकल्स कॉज नहीं करेगा. ओवरऑल हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है. आपकी स्किन इवन टोन हो जाती है. आपकी पोर्स जो हैं वो उसकी अपेयरेंस मिनिमाइज हो जाती है. ओवरऑल आपकी स्किन एक जनरली हेल्दी स्किन लगती है. लेकिन अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो ये ओवरनाइट उन इश्यूज को खत्म नहीं कर देगा. तो टू मेंटेन अ गुड हेल्दी स्किन बैरियर डू यूज अ नाइसिनमाइड सीरम. अगर आपको इन डेप्थ नाइसिनमाइड के बेनिफिट्स के बारे में पता करना है आई अगेन लिंक दैट वीडियो. मैं उस वीडियो का बहुत मेंशन कर चुकी हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू नो अबाउट द साइंस बिहाइंड नाइसिनमाइड बिफोर यूजिंग इट. मेरी स्किन केयर रूटीन में इट्स अ स्टेबल स्किन केयर इंग्रेडिएंट एंड आई लव यूजिंग इट. सो आई होप आप लोगों का एक्सपीरियंस भी ऐसा हो एंड इफ दिस एनी थिंग दैट यू गाइज वॉन्ट टू लेट मी नो डू लीव दैट इन द कॉमेंट्स. अगर आपने इनमें से कोई भी यूज किया हुआ है अगर आपका अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.